अविनाश, उन्हीं मुद्दों पर जनता ने मुहर लगाया है जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी चल रही थी, जिस विकास की बातें हो रही थी, राष्ट्र हित की बातें हो रही थी और आम जनता के लिए जो बातें कर रही थी बीजेपी, उस पर कहीं ना कहीं जनता ने अपना मुहर लगा दिया है। नहीं, सही कहा आपने। और इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर अगर आप देखें तो जश्न का माहौल है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, वो नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, क्योंकि जो रुझान के बाद जो सीटें लगातार आती चली जा रही हैं, वो साफ तौर पर पूर्ण बहुमत की ओर इशारा करती है। और अब कहीं कोई संदेह नहीं बचा है, झारखंड में भी लगातार अगर आप कहें तो अच्छी सीटें आने जा रही है। और लगातार जो बीजेपी के नेता है, कार्यकर्ता है, वो जश्न के माहौल में सराबोर है। अमित जी, इतनी सीटें आई हैं, इससे ज्यादा की उम्मीद थी हमको? तो 400 सीट का उम्मीद था कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीट लेके आएगी, लेकिन ये सीट हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए मनोबल ऊंचा करने वाला है और भविष्य के लिए जिम्मेदारी तय करने वाला है। आने वाला विधानसभा चुनाव है, उसके लिए जिम्मेदारी तय करने वाला है। हम आज खुशी मना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जिम्मेदारी भी हम एक एक कार्यकर्ता के ऊपर आ रहा है कि वो आगे देश को कैसे संवारेंगे। नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए सिरमौर के रूप में है। नरेंद्र मोदी जी का आभार, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार, आज इतना शानदार जीत उनके लिए। कह रहे हैं कि और ज्यादा आएगी, बहुत देर से नाच रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। आज का जो बहुमत है, इतना आप लोगों ने मेहनत किया हर एक जगह जाकर, हर एक लोकसभा क्षेत्र में। ये नरेंद्र मोदी की विकास का जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। आज हम लोग एक साल डेढ़ साल से जिस चुनाव के इंतजार में हम लगे हुए थे, तैयारी किए हैं, उसमें हम लोग सफल हुए और मोदी जी की विजय हुई। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए पीछे बहुत सारे जो लोग हैं नाच रहे हैं। हमने पहले भी कहा कि बहुत सारे जो युवा है, कैसी जीत मानते हैं। मोदी जी की जीत है, देश की जीत है। जनता मोदी जी, राष्ट्रहित में वोट दिया गया मोदी जी ने, राष्ट्रहित में वोट मोदी जी को दिया गया। जैसे कि राहुल गांधी बोलते थे कि हम कर्ज माफी कर देंगे, कर्ज माफी सॉल्यूशन तो है नहीं। हाँ, वो कर्ज माफी अपने पार्टी के फंड से कर देंगे क्या? देश का पैसा ही तो जाएगा। मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी चाहते हैं कि उसका सॉल्यूशन हो। कैसे सॉल्यूशन? सोल्यूशन के तौर पर अगर देखा जाए तो मैं बोलना चाहूंगा कि चोर लुटेरे हो जाओ होशियार, फिर से आ गए हैं चौकीदार। नया चौकीदार सर, देश को मिल गया नया चौकीदार। बिल्कुल सर, देश को करो चौकीदार भी मिल गया हमको, और राष्ट्रवाद जीत गया, सरकार जीत गई, मोदी मोदी पूरे प्रधानमंत्री बन गए, बच्चा बच्चा खुश। देखिए जो तस्वीर है, आप बहुत देर से नाच रहे हैं, जीत किस तरह की है? और जो कहा जाता है ये मिथक टूट गया इस जीत के साथ। आज जो खुशी हम लोगों को मिला है रमजान के मौके, तो जश्न का माहौल बीजेपी के लिए, चाहे वो बात रांची के बीजेपी प्रदेश कार्यालय की बात करें, जमशेदपुर की बात करें, लगातार ऐसी जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जश्न मनाने का मौका भी है, दस्तूर भी है, और जनता ने, और ये दिल्ली की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के कार्यालय में लगातार जश्न का माहौल देखा जा रहा है। लड्डू बांटे जा रहे हैं, दो दिन पहले से ही ये तैयारी शुरू कर दी गई थी। बीजेपी अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही थी, और उसी का नतीजा भी है, उसी विश्वास का नतीजा है जिस पर जनता ने अपनी मुहर लगाई है। और ये जश्न बयां कर रही है कि किस तरीके से विकास के नाम पर, राष्ट्रहित के नाम पर, रोजगार के नाम पर ये वोट डाले हैं जनता ने मोदी के नाम पर। और ये जश्न की सीधी तस्वीर हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। पल पल के ताजा अपडेट, सबसे सटीक और
सबसे पहले नतीजे न्यूज 11 पर लगातार हमारे सहयोगी हमारी पूरी टीम इसमें लगी रही कई महीनों से। और ये जो बीजेपी के लिए खुशी का मौका है, गर्व का मौका है, क्योंकि एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। और कहते हैं जीत का सेहरा जिसके सर पर बंधता है, जो जीतता है वही सिकंदर होता है, तो बातें सिर्फ उसी की होती है। अब एक बार फिर से जब चुनाव होंगे तो फिर से बहुत सारी वादे होंगे, दावे होंगे, लेकिन अभी जो मौका है बीजेपी के लिए, बीजेपी हर एक पल को हर एक क्षण को खुशी में तब्दील कर चुका है। और जाहिर तौर पर खुशी का मौका है तो ये मौका छूटना नहीं चाहिए। पूरे देश ने अपना भरोसा दिखाया है मोदी सरकार पर, एक बार फिर से मोदी सरकार। कई बार ये चीजें सामने आ रही थी, मोदी है तो मुमकिन है, और वो चरितार्थ होती हुई भी दिख रही है। जिस तरीके से बीजेपी लीड कर रही है, अब उम्मीद कम ही बची है कि किसी तरह की कोई फेरबदल हो। तो जाहिर तौर पर बीजेपी ने एक बड़ा जनादेश तैयार किया है, और उसी का नतीजा है कि आज दिल खोल कर लोगों ने वोट दिया बीजेपी को, और बीजेपी को जीत का रास्ता दिखाया। गांव से लेकर शहर तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी नजर आ रही है, और एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। बीजेपी अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए, 2014 में जो रिकॉर्ड बीजेपी ने बनाया था, उसी रिकॉर्ड को बीजेपी ने, अपने ही रिकॉर्ड को बीजेपी ने तोड़ा है। पूरा का पूरा देश एक साथ नजर आ रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर जब देश की सुरक्षा की बात आती है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के क्यों ना हो, सभी एक साथ एक मजबूत इरादों के साथ खड़ी नजर आती है। और जब राष्ट्र हित की बात हो, रोजगार की बात हो, देश के विकास की बात हो, तो जाहिर तौर पर लोग एक साथ ही नजर आएंगे, क्योंकि देश के विकास होगा तो ही आम लोगों का विकास होगा। इसी पर भरोसा जताते हुए बीजेपी को जीत का रास्ता दिखाया है पूरी देश की जनता ने। 7 चरणों में ये चुनाव हुआ था, और 7 चरणों का आज ये नतीजा आपके टीवी स्क्रीन पर है। झारखंड में भी बीजेपी लगातार लीड कर रहा है। लोहरदगा, रांची, जमशेदपुर, दुमका, हजारीबाग, कोडरमा, ये कुछ ऐसी सीटें जहां पर महागठबंधन जेएमएम का दबदबा रहा है, लेकिन उसे भी सेंधमारी करती हुई बीजेपी नजर आई, और वहां पर भी अपनी जीत का झंडा बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी। तो जाहिर तौर पर जो विपक्ष है उसे समीक्षा करने की जरूरत है, चूक कहां पर हुई, क्योंकि लगातार वादे किए जा रहे थे ऑपोजिशन की तरफ से, लेकिन वो वादे धरे के धरे नजर आ रहे हैं, कहीं पर भी मुकाबले में खड़ा नजर नहीं आ रहा है महागठबंधन। एक साथ मिलने के बावजूद जो मकसद था महागठबंधन का, वो बिल्कुल गौण होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी एक बार फिर से भारी मतों से विजयी हो रही है। पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर से मोदी सरकार बनने की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। जश्न का माहौल, दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी दिल्ली में इस वक्त मौजूद है, जो पल पल के ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें दिल्ली से, जहां पर जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, और ईद, दिवाली, दशहरा कहीं ना कहीं एक साथ नजर आ रहा है हर तरफ। तो ये जो तस्वीरें हैं वो बीजेपी के जश्न की तस्वीरें हैं। जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, जिस तरीके से आंकड़े बयां कर रहे हैं कि बीजेपी ने अपने झंडे को बुलंद कर लिया है, सीधी तस्वीरें हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर जश्न का माहौल है। बीजेपी के कार्यकर्ता, समर्थक, सभी एक साथ एक ही सुर में नजर आ रहे हैं।